नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है पीकू, और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीकू 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत सरकार द्वारा किया है और इसका निर्माण NP सिंह, रोनी लाहिड़ी और सिन्हा रोजनी की ने किया है। इसमें दीपिका पादुकोण को मुख्य पात्र अभिनेता बच्चन और इरफान खान के रूप में दिखाया गया है, जिसमें मौसरी चटर्जी और जिशु सेनगुप्ता ने सहायक भूमिका निभाई है। पटकथा जूही चतुर्वेदी ने लिखी थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2014 में शुरू हुई और दिसंबर में पूरी हो गई। अनुपम राव ने साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की और गीत लिखे। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 141 करोड़ ही कमाई की। 61 फिल्मफेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोभी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर उनसे मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिढ़ जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है, लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में
खासकर खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर अपने कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रन के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। रन भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी सन कीपन को रोकने के लिए कहते हैं, जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो रन को याद करते हैं, जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चॉइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीच एपनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं, जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करते हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि शायद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते हैं, उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद सिंह मुदनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सदस्य सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्मफेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छवि मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से वह
भेद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो सैयद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना जाता है, लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ सुहास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। राणा भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी संक्षेपण को रोकने के लिए कहते हैं, जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो रन को याद करते हैं, जिससे उसे सब कुछ खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज एपनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं, जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करते हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते, उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौनक चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद्र सिंह बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा, हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1.1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए
उनका रिकॉर्ड सेटिंग तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। किकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी शहद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रन के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। रन भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी संकीपन को रोकने के लिए कहते हैं जिससे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदलने लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो रन को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज इवनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए वाक्य करती हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि शायद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते हैं उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मौसी के रूप में बुलेंद्र सिंह बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे
व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सदस्य सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्मफेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुँचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। राणा भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी कीपन को रोकने के लिए कहते हैं जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर न बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो रन को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चॉइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज एपनिंग या कार्डियक अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहाँ वो उसके अंतिम संस्कार भी किया के करती हैं। वहाँ भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में
बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पादुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, असगर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौनक चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद सिंह, मुंदनी के रूप में मोनी मुकाफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा, हास्य और समग्र सदस्य सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1/1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अक्सर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबि मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर उनसे मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो सैयद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासकर खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूहों को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। राणा भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी संकेपन को रोकने के लिए कहते हैं जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताया। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की जरूरत है। वो रन को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चूक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि
भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज इवनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी केवा के करते हैं। वहां भाव भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो रना को जो भी वो चुका देते उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौनक चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद्र सिंह बुंदनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रियाक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अक्सर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बहक बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रन के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। रन भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी सन
कीपन को रोकने के लिए कहते हैं, जिसे वो अंततः सुनता है। फीकू अपना मन बदलने लेती है और घर न बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की जरूरत है। वो रान को याद करते हैं, जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज एपनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं, जहाँ वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करते हैं। वहाँ भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते हैं, उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद्र सिंह बुंदनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा, हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्मफेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से वह बेहद चिढ़ जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो सैयद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है, लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को
कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ सुहास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। राणा भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी सन कीपन को रोकने के लिए कहते हैं, जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की जरूरत है। वो राण को याद करते हैं, जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज एपनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं, जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए के करती हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते हैं, उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौनक चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद सिंह बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सदस्य सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्मफेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अक्सर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छवि मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो सैयद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों
ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है, लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। राणा भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी संकेपन को रोकने के लिए कहते हैं, जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताया। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गैर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की जरूरत है। वो रन को याद करते हैं, जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद ब्लीच एपनिंग या कार्डियट। अदालत से पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं, जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करती हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते हैं, उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद सिंह, बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1.1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रियाक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी
आदतों से अक्सर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोभी माशी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर उनसे मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती है, लेकिन अक्सर उसकी सनक से वह बेहद चिढ़ जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएँ होती है। पीकू कोलकाता पहुँचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है, लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्जे को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ सुभाषकर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। राणा भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी संकीपन को रोकने के लिए कहते हैं, जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की जरूरत है। वो रन को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चूक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज इवनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए वाक्य करती हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते हैं उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद्र सिंह बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सदस्य सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 141 करोड़ की कमाई की।
61 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है, लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासकर खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ सुहास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। राणा भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी संकेपन को रोकने के लिए कहते हैं जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर न बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो राण को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज एपनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहाँ वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करते हैं। वहाँ भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते हैं उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, अस्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौनक चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज, के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त,
डोबो मोशी के रूप में, वुलेंद्र सिंह बुधनी के रूप में, मोनी मुकाफी के रूप में, स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुबीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा, हास्य और समग्र सदस्य सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्मफेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3रा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छवि मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर उनसे मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। रन भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी संकीपन को रोकने के लिए कहते हैं जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो रन को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज इवनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करते हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो रन को जो भी
वो चुका देते। उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौनक चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में भूलेंद्र सिंह बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रियक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से वह बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। रन भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी किपन को रोकने के लिए कहते हैं जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदलने लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो रन को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा
मुहाश नहीं करता। हाल अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज इवनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए वाके करती हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो रना को जो भी वो चुका देते हैं उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज, के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में भूलेंद्र सिंह बुधनी, के रूप में मोनी काफी, के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्मफेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिढ़ जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो सैयद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है, लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। राणा भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी संकेपन को रोकने के लिए कहते हैं जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को
तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो रॉन को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चॉइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज इवनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहाँ वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करती हैं। वहाँ भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद्र सिंह बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्मफेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अक्सर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छवि मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण
धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। रन भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी सन कीपन को रोकने के लिए कहते हैं, जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताया। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो रन को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज एपनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करती हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते हैं उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, असगर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद्र सिंह बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3रा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रियाक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुँचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में
खासा खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर अपने कब्जे को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। रन भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता और भास्कर से अपनी सन किपन को रोकने के लिए कहते हैं, जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदलने लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो रन को याद करते हैं, जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज एपनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं, जहाँ वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करते हैं। वहाँ भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते हैं, उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद्र सिंह बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा, हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्मफेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रियक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर उनसे मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बहक
भेद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो सैयद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है, लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासा खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। राणा भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी संकीपन को रोकने के लिए कहते हैं, जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताया। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो राउंड को याद करते हैं, जिससे उसे सब कुछ खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज एपनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं, जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए वाक्य करती हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते हैं, उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौनक चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद्र सिंह बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म
पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग चौथी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। किकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अक्सर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छवि मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर उनसे मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएँ होती है। पीकू कोलकाता पहुँचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना जाता है लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। रन भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी संकेपन को रोकने के लिए कहते हैं जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गैर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो रन को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज एपनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करते हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते हैं उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मौसी के रूप में बुलेंद्र सिंह
मुंदनी के रूप में, मोनी काफी के रूप में, स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में, रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा, हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3रा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर उनसे मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुँचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। रन भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता और भास्कर से अपनी सन कीपन को रोकने के लिए कहते हैं जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदलने लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो रन को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज इवनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करते हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो रन को जो भी
वो चुका देते। उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोगो मोशी के रूप में बुलेंद्र सिंह बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से वह बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रणने के साथ सुहास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। रन भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी संकेपन को रोकने के लिए कहते हैं जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो राउंड को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाहिए
और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा धुमुहास नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज एपनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहाँ वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करते हैं। वहाँ भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो रना को जो भी वो चुका देते हैं उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, अस्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौनक चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद्र सिंह मुदनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सदस्य सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छवि मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करते हैं लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिढ़ जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो सैयद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुँचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना जाता है लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ सुहास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। रन भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी संकेपन को रोकने के लिए कहते हैं जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा पर
जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताया। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो रॉन को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चॉइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीज एपनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किया के करते हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो रना को जो भी वो चुका देते हैं उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में बुलेंद्र सिंह बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रिक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में। पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ भास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर
जबकि कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। हिरण भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता और भास्कर से अपनी सन किपन को रोकने के लिए कहते हैं, जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो रन को याद करते हैं, जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा विधमोहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीच इवनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं, जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करते हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि शायद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते हैं, उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में भूलेंद्र सिंह बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुवीर यादव। पीकू को 8 मई 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म शिथिल रूप से सत्यजीत रे की 1980 की बंगाली भाषा की लघु फिल्म पीकू पर आधारित है। रिलीज होने पर इसे एपोक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने पटकथा प्रशंसा हास्य और समग्र सदस्य सादगी की प्रशंसा की। ये दुनिया भर में एक व्यावसायिक सफलता के रूप में भी उभरा। 42 करोड़ के बजट पर निर्मित पीकू ने दुनिया भर में 1/1 करोड़ की कमाई की। 61 फिल्मफेयर पुरस्कारों में पीकू की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चन सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 5 पुरस्कार जीते। बच्चन ने 63 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना रिकॉर्ड सेटिंग 4th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए उनका रिकॉर्ड सेटिंग 3rd फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पीकू बनर्जी अपने 70 वर्षीय विधवा पिता भास्कर पुरानी कब्ज के साथ एक हाइपोकैंड्रियक के हो जो और समस्या को अपने मल त्याग में ढूंढता है। उसकी आदतों से अवसर पीकू नौकरी और पीकू की मौसी छोबी मासी ने झगड़ा हो जाती है और जो अक्सर अपने से मिलने आते हैं। पीकू अपने पिता से प्यार करते हैं और चूंकि अपनी माँ मर चुकी है इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर उसकी सनक से बेहद चिर जाते हैं। उसके सहयोगी सैयद फरोज एक अच्छे दोस्त है और वो शायद के दोस्त राणा चौधरी के टैक्सी व्यवसाय की नियमित ग्राहक है। अपनी नौकरी और अपने पिता के धूर्त व्यवहार दोनों ने नियमित रूप से तनाव में पीकू अक्सर राणा के टैक्सी ड्राइवर के साथ सुबह की यात्रा के दौरान झगड़ा करते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती है। पीकू कोलकाता पहुंचने के में अपने पुश्तैनी घर को पहुंचना चाहता है, लेकिन भास्कर ने उसका कड़ा विरोध किया और कोलकाता जाने का फैसला किया। हाल ही में खासो खराब होने के बाद पीकू उसे अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ जाने के लिए बाध्य है। भास्कर ने अपनी कब्ज को कारण बताते हुए कार के
अलावा अन्य सभी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। राणा ने नियोजित ड्राइवरों के साथ पीकू की समस्याओं के कारण उन सभी ने उसे चलाने में मना कर दिया। पीकू कोलकाता के लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राणा अपनी माँ और बहन का यात्रा के बारे में बताए बिना परिवार को खुद कोलकाता ले जाने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। रास्ते में समूह को कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राणा के साथ सुहास्कर की घबराहट और कब्ज के कारण धैर्य खोने का कारण पर जब के कोलकाता पहुंचने हैं तो भास्कर राणा को कुछ समय के लिए जाने उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। पीकू और राणा शहर में उस एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं। राणा भी मुस्तफा से उसे पुश्तैनी घर न बेचने का इस्तीफा करते हैं। राणा कोलकाता छोड़ देता है और भास्कर से अपनी कीपन को रोकने के लिए कहते हैं, जिसे वो अंततः सुनता है। पीकू अपना मन बदल लेती है और घर ना बेचने का फैसला करते हैं। इस बीच भास्कर की साइकिल की अचानक इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो अकेले शहर के एक हिस्से से साइकिल चलाते हैं। सभी को तनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे उसके बारे में नहीं बताए। जब भास्कर वापस आते हैं तो पीकू उसे स्क्रिप्ट फूड खाने के और गिर जिम्मेदार होने के लिए फटकार लगाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि कहना है कि उसकी कब्ज दूर हो गई है और उसे हर दिन साइकिल की ज़रूरत है। वो राण को याद करते हैं जिससे उसे सब कुछ खाने और खाने के बारे में चाइस और विक्स नहीं होने के लिए कहा था। पीकू चुक से खुश हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा मुहाश नहीं करता। अगले दिन सभी को पता चलता है कि भास्कर की मृत्यु नींद में हुई है, शायद प्लीच एपनिंग या कार्डियट अदालत से। पीकू कहता है कि वो हमेशा एक शांतिपूर्ण मौत चाहता था। वो दिल्ली लौटते हैं जहां वो उसके अंतिम संस्कार भी किए करते हैं। वहां भास्कर के चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे बताया कि सैयद को भी कब्ज है और भास्कर को उसके बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिनों बाद वो राणा को जो भी वो चुका देते हैं उसने अपने पिता की याद में दिल्ली पर घर का नाम भास्कर विला रखा और नौकरानी जो भास्कर के नखरे के कारण चली गई थी काम पर लौट आती है। फिल्म का अंत पीकू द्वारा रन के साथ उसके घर के सामने आंगन में बैडमिंटन खेलने के एक दृश्य में साथ होता है। फेंकना दीपिका पाडुकोण के रूप में पीकू बनर्जी, भास्कर बनर्जी के रूप में अमिताभ बच्चन, रौन चौधरी के रूप में इरफान खान, मौसमी चटर्जी, धोबी मासी के रूप में सैयद अफरोज के रूप में जिशु सेनगुप्ता, अभिजीत दत्त डोबो मोशी के रूप में भूलेंद्र सिंह बुधनी के रूप में मोनी काफी के रूप में स्वरूपा घोष, डॉक्टर श्रीवास्तव के रूप में रघुबीर यादव।